विनस के मैटर में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ थोड़ा सा कि फिफ्थ हाउस में होने से क्या होता है कि वो सिर्फ सेंशुअल प्लेजर के पीछे भागता है, एंटरटेनमेंट के पीछे भागता है, उसको एंटरटेनमेंट चाहिए, अम्यूजमेंट चाहिए, सेंशुअल प्लेजर चाहिए, बच्चों के साथ रिश्ता अच्छा रहता है और बच्चे फीमेल बच्चे होने का चांसेस ज़्यादा रहता है और ये लोग इन लोगों को कुछ पता नहीं है कि सोसाइटी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये लोग ज़्यादा कुछ मतलब आर्गुमेंटेशन या कुछ राइवलरीज में ज़्यादा खुद को इन्वॉल्व भी नहीं करते क्योंकि ये लोग अच्छे से जानते हैं कि ये सब चीज़ मेरे एंटरटेनमेंट में या मेरे अम्यूजमेंट में या सेंशुअल प्लेजर में बाधा देंगे। तो जो चीज़ इनके सामने एंटरटेनमेंट अम्यूजमेंट या सेंशुअल प्लेजर में बाधा क्रिएट करता है वो चीज़ वो या तो इन्वॉल्व ही नहीं होंगे उसमें या वो इन्वॉल्व होने का पसंद भी नहीं करेगा। मार्स इज हाउस में एक जैसे मैंने कहा ना एक फिफ्थ हाउस में अगर मेल्फिक प्रेजेंस हो मार्स इज हाउस में, मार्स एक मेल्फिक प्लैनेट है, मार्स इज हाउस में होने से ही एक इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रगल ले आता है, चीज़ों को ठीक तरह से समझ नहीं पाता है, दुनिया कैसे काम करता है वो समझ नहीं पाता, लेकिन उसको सब चाहिए, पेशेंस नहीं रहता, इम्पल्सिव होता है पर्सन बहुत। और ये मैंने कहा कि 11th हाउस या 7th हाउस से 11th हाउस है तो मैरिड लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम देता है, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग देता है, बहुत है मतलब जिस उसको मैरिड लाइफ एक हैरेसमेंट टाइप ऑफ हैरेसमेंट लगता है उसको, वो मार्क्स देता है वो हैरेसमेंट, वो हैरेस करवाता है, मैं घर में लौटने का मन ही नहीं होता है, जब भी बाहर रहता है घर में लौटने का मन ही नहीं होता है। और बच्चों के साथ भी पहले तो चाइल्ड बर्थ में भी बहुत प्रॉब्लम आता है, अगर चाइल्ड बर्थ हो भी गया तो बच्चों के साथ रिश्ता अच्छा नहीं होता है, बच्चे एकदम ओबीडियंट नहीं होते। अच्छा दूसरी बात यह है कि ग्रेजुएशन लेवल तक पहुंच नहीं पाता है, अगर फोर्थ हाउस अच्छा है तो ट्वेल्थ तक ही पहुंचेगा, फोर्थ हाउस अगर मॉडरेट है तो ट्वेल्थ तक भी नहीं पहुंच पाएगा, शायद टेंथ या किसी नीचे के स्टैंडर्ड में ही उसका एजुकेशन रुक जाता है किसी भी कारण से, वो देखना होता है चार्ट में। लेकिन फिफ्थ हाउस अगर फोर्थ हाउस ठीक है लेकिन फिफ्थ हाउस ठीक नहीं है तो वो ग्रेजुएशन कभी कर ही नहीं पाएगा, वो 10+2 करके ही उसका दम छोड़ देगा, एजुकेशन में आगे नहीं जा पाएगा। तो मार्स फिफ्थ हाउस में होने से एजुकेशन में रुकावटें लाता है, हायर एजुकेशन में खास करके ग्रेजुएशन लेवल तक एजुकेशन में रुकावटें लाता है मार्स बहुत ज़्यादा। अभी देखना होगा मार्स का कुछ और भी कनेक्शन है कि नहीं, लेकिन मार्स रहना ये इनफ है कि ये सब चीज़ होगा उसके लाइफ में। मार्स इस हाउस में रहने से वो बंदा सेक्सुअली एक्टिव भी होगा और रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे क्योंकि फिफ्थ हाउस द हाउस ऑफ लव, तो रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे। जैसे कि विनस रहने से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम तो दूर की बात, वो रिलेशनशिप को और ज़्यादा से ज़्यादा रिलेशनशिप में खुद को फैलाएंगे, प्यार करना ही उनका ज़िंदगी का मोटो बन जाता है, भाई एंजॉय करेंगे लाइफ में, ऐसा ही टाइप का पर्सन बन जाता है। लेकिन मार्स आने से थोड़ा सा लड़ाई वाला मेंटेलिटी दे देता है तो उसके कारण वो रिलेशनशिप टिकता नहीं है उनके लाइफ में। जुपिटर अगर आ गया तो स्पिरिचुअली मोटिवेटेड होगा, मैंने कहा था ना मोटिवेशन का हाउस है ये, तो स्पिरिचुअली मोटिवेटेड होगा। कोई भी प्लैनेट अगर इस हाउस में आया है तो वो प्लैनेट ये दर्शाएगा कि वो इंसान किसके द्वारा मोटिवेटेड होता है लाइफ में। तो जुपिटर अगर आया है तो स्पिरिचुअली मोटिवेटेड होंगे ये लोग सच में सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं ऐसे लोग, और सेल्फलेसली ही करते हैं, अपनी फैमिली के बाद भी सोसाइटी के बारे में उसका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के लिए, ये समझते हैं ये लोग और उसके लिए आगे भी बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा स्पिरिचुअली मोटिवेटेड होते हैं तो ये लोग बहुत ज़्यादा सैक्रेड बुक्स पढ़ते हैं, जो जिस रिलीजन से बिलोंग करता हो, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो या कोई भी रिलीजन्स को बिलोंग करता हो, तो वो बंदा उस रिलेटेड चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि मान लो कोई हिंदू हो गया तो हिंदुइज्म के ऊपर ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, हिंदू स्क्रिप्चर्स के ऊपर ज़्यादा उनका दखल होगा, उनके ऊपर ज़्यादा नॉलेज होगा, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा। ये सब जुपिटर फिफ्थ हाउस में होने से ये होगा ही होगा। और जुपिटर फिफ्थ हाउस में होने से और एक चीज़ होता है, वो बच्चों के साथ रिश्ता बहुत अच्छा देता है ये, और ये लोग ना ऐसे लोग जैसे कि विनस फिफ्थ हाउस में होने से क्या होता है, वो लोग वाइफ के ऊपर ही सब कुछ छोड़ देते हैं, मतलब फैमिली का बैक डोर भाई तू संभाल, लेकिन अगर वाइफ होगा तो अगर हस्बैंड होगा तो हस्बैंड के ऊपर ही सब छोड़ देते हैं, मतलब मान लो किसी
किसी मेल के चार्ट में वीनस फिफ्थ हाउस में है तो वो वाइफ के ऊपर ही सब कुछ छोड़ देगा, तू जो करना है कर, उसको लाइफ को एंजॉय करना है, फ्री रहना है। जुपिटर ऐसा नहीं है, जुपिटर फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई हल्का तरीके से नहीं लेगा कि कुछ भी कर दिया, मतलब कोई भी सिचुएशन होगा तो वो डट के खड़ा रहेगा फैमिली के साथ। सिर्फ फैमिली के साथ नहीं, वो जिस सोसाइटी में रहेगा उस सोसाइटी में आसपास के जो लोग हैं वो लोग भी इनको खूब बहुत मानेंगे, क्योंकि इनका सोसाइटी में एक अलग सा छवि रहेगा, एक इमेज रहेगा कि ये सेल्फलेसली काम करते हैं और बहुत नॉलेजेबल है और अच्छे एडवाइस भी देते हैं, अच्छा गाइड भी करते हैं मुश्किल सिचुएशन में। ये सब लोग ही सामने आके एक्चुअल में आपको मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकालते हैं। तो ये जो जुपिटेरियन लोग होते हैं, जुपिटर फिफ्थ हाउस में होते हैं, इनका इनसे अगर ऐसा कोई बंदा आपके आसपास में है इनसे एडवाइस लो, ये बहुत अच्छे एडवाइस देंगे ताकि आप आगे बढ़ पाओ। मार्स और राहु के प्रेजेंस अगर फिफ्थ हाउस में है वैसे लोगों से आप एकदम एडवाइस मत लो, ये लोग खुद के लाइफ को भी ब्लंडर बना देता है और इससे एडवाइस लोगे तो आपका लाइफ का भी हाल खराब कर देगा। तो एडवाइस अगर लेना है जो फिफ्थ हाउस में, जो जिसके फिफ्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस के साथ या फिफ्थ हाउस के साथ कैसे भी हो कनेक्शन में, जब बेनिफिट प्लैनेट्स है खास करके जुपिटर, उनसे आप एडवाइस लो, आपको सही गाइडेंस मिलेंगे। अगर आपको एंटरटेनमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट या दुनिया को, जिंदगी को ऐशो आराम से बिताने का एडवाइस चाहिए कैसे बिताया जा सकता है, मतलब हमेशा प्यार में बिताना या एसेंशियल प्लेजर्स के साथ बिताना चाहते हो तो ऐसे एडवाइस लेना हो तो वीनस अगर फिफ्थ हाउस के साथ जिन लोगों का कनेक्टेड है उनसे लो, वो अच्छा एडवाइस बहुत अच्छे से दे पाएंगे कि क्या क्या करना चाहिए ताकि आपका सेंसुअल प्लेजर्स और बढ़े। लेकिन अगर आपको हर चीज़ में, मतलब सच में ग्रोथ के मैटर में, लाइफ को जो ग्रोथ देता है इसके लिए किसी से गाइडेंस लेना हो तो जुपिटर का कनेक्शन अगर फिफ्थ हाउस के साथ है जिस व्यक्ति से का, उनसे लो। आपको जुपिटेरियन पर्सन ही आपको असली मायने में ग्रोथ के मैटर में एडवाइस दे पाएगा और स्पिरिचुअली आपको मोटिवेट कर पाएगा, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ ही मेन ग्रोथ है। हमारा जो इस दुनिया में हमारा जो एग्जिस्टेंस है, ये इसमें जितने सारी ग्रोथ के बारे में हम लोग बात करते हैं उनमें से श्रेष्ठ ग्रोथ है स्पिरिचुअल ग्रोथ, क्योंकि जो भी ग्रोथ आपके लाइफ में होगा वो चाहे फिनेंशियली हो, वो चाहे मतलब आपके फेम के थ्रू हो, जो भी ग्रोथ आपके लाइफ में होंगे वो ग्रोथ इस लाइफ में ही ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जो ग्रोथ रह जाएगा वो है स्पिरिचुअल ग्रोथ, वो आपके साथ ही जाएगा। इस शरीर ख़त्म होने के साथ भी उसका कभी वो ग्रोथ कभी ख़त्म नहीं होता है, वो चलता ही रहता है और धीरे धीरे वो आपको असली मंजिल तक ले जाता है। आपके साथ आपके खुद का मुलाकात जब तक ना हो तब तक वो साथ देता रहता है, इसलिए जुपिटर ऑल्सो रिप्रेजेंट सत्वगुण। सैटर्न का प्रेजेंस, अगर सैटर्न बहुत ही खराब स्टेट में इस हाउस के साथ प्रेजेंस इस हाउस के साथ जुड़ गया तो जिसको कहते हैं ना वाट लगने वाला है, तो वैसे ही सीन होता है एक्चुअली। पर्सन लाइफ में बहुत फ्रस्ट्रेटेड मोमेंट्स उनके लाइफ में आते हैं, वो चाहे चिल्ड्रन के थ्रू हो, वो चाहे फैमिली के थ्रू हो, और इसलिए ये सैटर्न उस पर्सन समझ नहीं पाता ज़िंदगी में करना क्या है, कोई दिशा नहीं मिलता है, जैसे एमलेसली ज़िंदगी में आगे बढ़ता रहता है, जो सामने आता है उसी को ही, मतलब उससे ही गुजारा कर लेता है। तो ये लोग बहुत सारे केसेस में, मैक्सिमम केसेस में ये लोग थोड़ा एंटी सोशल एलिमेंट के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो दिमाग काम करना बंद कर दिया ना, जो सामने आया उसके साथ ही जीना शुरू कर देता है, जो सामने आता है वही लगता है कि उस पल के लिए वही सही है, दूर का देखना ये फ्यूचर जो है इसको इसमें प्रॉब्लम आ जाता है इनके साथ। तो चाइल्ड बर्थ में भी बहुत प्रॉब्लम आता है, मिस कैरेजेस बहुत ज़्यादा होता है महिलाओं के लिए खास करके, और लड़कों के लिए भी स्पर्म काउंट में बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। स्पर्म काउंट के कारण, स्पर्म काउंट देखने के लिए वीनस को भी देखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये जैसे ही फिफ्थ हाउस में सैटर्न आ गया तो वीनस को ज़रूर देखो। वीनस अगर बहुत स्ट्रांग नहीं है चार्ट में तो स्पर्म काउंट या इस रिलेटेड बच्चों, मेल के अंदर जो बच्चों को जन्म देने के लिए जो प्रॉब्लम्स होते हैं जन्म देने में, मतलब बच्चे ना होने के लिए जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सब घटित होंगे इस पर्सन के लाइफ में ये सैटर्न का प्रेजेंस इस हाउस में होने के कारण।
ये लोग ज़्यादा लॉ ब्रेकर्स होते हैं, मतलब इन ये लोग सिचुएशंस ही लाइफ में इतने सारे ऐसे टाइप के आते हैं, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है ना करना क्या है, तो ये बहुत बार लॉ भी ब्रेक करते हैं जिसके कारण इनको बहुत प्रॉब्लम्स भी आना पड़ता है। अगर इसके साथ सिक्स हाउस कनेक्टेड है और सिक्स हाउस में वैसे योग बन रहा है लॉ सूट का योग, तो इनके ऊपर मुकदमा भी चलता है और बहुत अगर जेल योग है, मतलब जिसको इम्प्रिजनमेंट कहते हैं, ट्वेल्थ हाउस के कनेक्शन में जो आता है, तो वो इम्प्रिजनमेंट भी जा सकते हैं, मतलब जेल भी जा सकते हैं। सो जैसे ही सैटर्न फिफ्थ हाउस में आया, ये सब चीज़ ज़रूर देख लेना कि ये सब योगा उसके चार्ट में है कि नहीं, जो मैं अलग अलग वीडियोज़ में बताऊँगा इसको कैसे देखा जा सकता है, लेकिन ये ज़रूर देख लेना। सैटर्न फिफ्थ हाउस आ गया मतलब उसके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ काम नहीं करेगा ठीक तरह से, इसके लिए बंदा थोड़ा सा गरीब ही रहेगा और जीने के लिए ना कुछ भी करने के लिए मजबूर होंगे ये लोग, क्योंकि जीना हम लोग जब जीने का चीज़ ही रिस्ट्रिक्ट हो जाता है तब हम कुछ भी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ये जो रिस्ट्रिक्टनेस ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, सैटर्न हमेशा आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कुछ आगे बढ़ने में, इसलिए तो डिले होता है। तो ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है आपके ग्रोथ को, आपके लोगों में आप बहुत अनपॉपुलर होंगे, क्योंकि ये पॉपुलरिटी फिफ्थ हाउस का मैटर है। जो टेंथ हाउस का फेम है वो उसका फेम अलग दिशा से देखा जाता है, वो करियर के थ्रू फेम देखा जाता है, लेकिन फिफ्थ हाउस का जो फेम है वो सिर्फ करियर नहीं, आप अगर करियरिस्ट भी नहीं हो फिर भी आप फेमस हो सकते हो बहुत सारे कारण से। तो आपके एक्चुअल कला, आपके जो क्रिएटिविटी के थ्रू आप फेम मिलता है आपको, वो चाहे आप अभी भी प्रोफेशन में उसको लेके कुछ किए हो कि नहीं, प्रोफेशन में आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हो कि नहीं, हो सकता है आप प्रोफेशन में उसके रिगार्डिंग प्रोफेशन में ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो फिर भी आप पहले से ही बहुत पॉपुलर हो, ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है। वो फिफ्थ हाउस का पॉपुलरिटी है जो सारा ज़िंदगी काम देता है। टेंथ हाउस जब आप प्रोफेशन में आते हो तो उसके रिगार्डिंग फेम देता है, लेकिन प्रोफेशन में ना आने से पहले से ही या उसके प्रोफेशन जब आप प्रोफेशन में नहीं रहते हो उस टाइम पे भी जो फेम होता है वो भी फिफ्थ हाउस का ही मैटर है। तो बहुत अनपॉपुलर कर देता है एक इंसान को सैटर्न। पर हाँ, जुपिटर का कनेक्शन या कोई स्ट्रॉन्ग बेनिफिक प्लैनेट का कनेक्शन, ये जो रिजल्ट मैंने बताया थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है उसके बेस पे। राहु जब फिफ्थ हाउस में होता है तो केतु होता है 11th हाउस में। राहु केतु का जब रिजल्ट आप देखोगे ना किसी भी चार्ट में, राहु का रिजल्ट आप अलग से नहीं देख सकते हो या केतु का रिजल्ट अलग से नहीं देख सकते हो, राहु जहां पर होगा उसके ऑपोजिट में केतु होगा। तो राहु फिफ्थ हाउस में होगा तो केतु 11th हाउस में होगा। तो 11th हाउस इज द हाउस ऑफ अर्निंग, आप जो अर्न करते हो लिक्विड कैश के मैटर में अगर बताओगे तो उसके मैटर में 11th हाउस इज द हाउस ऑफ सक्सेस। तो केतु के मैटर में अभी फिर भी नहीं जा रहा हूँ मैं, इससे ये वीडियो फालतू का बड़ा हो जाएगा। तो ये फिफ्थ हाउस के मैटर में ही, राहु जब भी फिफ्थ हाउस में आएगा पहले तो चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम देगा, और चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम और ज़्यादा देगा, मतलब मोस्टली इम्पॉसिबल हो जाएगा चाइल्ड बर्थ जब इस राहु के साथ मून भी जुड़ जाएगा। जब राहु के साथ मून भी जुड़ जाएगा तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा चाइल्ड बर्थ का, फिर भी कम्प्लीटली 100% इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है राहु मून जब भी फिफ्थ हाउस के साथ कनेक्टेड हो जाता है। और ये लोग ना थोड़ा सा दूसरे टाइप के दुनिया के लोग, जैसे मान लो मैं एलियन के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मान लो क्रिमिनल मेंटेलिटी के लोग, जो अंडरवर्ल्ड के लोग, इनके साथ कनेक्शन इनका बहुत ज़्यादा बैठता है, और ये सब लोग ना ज़्यादा रिस्क टेकर होते हैं, मतलब जैसे कि बहुत शॉर्ट टाइम में बड़ा होना है, बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत पैसा कमाना है। बहुत सारे लोग इसके चक्कर में स्टॉक मार्केट में भी आते हैं, अगर राहु का पोजीशन अच्छा नहीं है तो धक्का खा के निकल जाते हैं, तो सब कुछ लुटा देते हैं। अगर राहु का पोजीशन इधर अच्छा है तो ये स्टॉक मार्केट या ये जो अचानक सडन गेन स्टॉक मार्केट के थ्रू या कहीं पर भी थ्रू हो ये जो सडन गेन होता है मनी का, ये भी राहु का फिफ्थ हाउस से कनेक्शन से कारण होता है। तो फिफ्थ हाउस में राहु कुछ अच्छा रिजल्ट भी देता है, कुछ बुरा रिजल्ट भी देता है। फिर राहु है तो मेलफिक प्लैनेट, तो कुछ बुरा रिजल्ट तो वो देगा ही देगा। अच्छा रिजल्ट और एक चीज़ देता है कि ये लोग ना सच में ये अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन तो रहता है, सब कुछ रहता है, लाइफ में स्ट्रगल तो आता है, लेकिन इनको अगर राहु का पोजीशन इधर अच्छा है, बहुत ही अच्छा है राहु का पोजीशन, तो ये लोग ये जन्म मृत्यु के जो चक्कर है
स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा जाता है, लेकिन ये बहुत सडनली जाते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है तो लाइफ में ऐसा कुछ होता है, इन लोगों के होगा ही होगा ये चीज़, ऐसा कुछ बड़ा कुछ होता है जो इनको पूरा ट्रांसफॉर्म करके रख देता है, तब वो ये लाइफ सच में इसका इस लाइफ को लेके जो इतना इस लाइफ को जो इतना महत्व दे रहा था वो इस लाइफ को लेके जो इतना कुछ सोच रहा था वो सब एक ही मिनटों में सब झूठ लगने लगता है। तभी एक बहुत बड़ा चेंज आता है उसके इंटरनल वर्ल्ड पे, उसके अंदरूनी क्षेत्र पे बहुत बड़ा चेंज आता है जो उसको डीप स्पिरिचुअलिटी में ले जाते हैं। तो ये सब लोग जब डीप स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं वो औरों की तरह नहीं होते कि कुछ बुक्स पढ़ लिया कुछ ये कर लिया, ये लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं और सच में खुद को ढूंढने की कोशिश में लग जाता है, इस सच्चाई को दुनिया में सच्चाई को जानने की कोशिश में लग जाता है। तो ये होता है जब राहु बहुत ही स्ट्रांग पोजिशन में हो इधर, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ही कुछ बड़ा सा धमाका लेके, मतलब उससे पहले कुछ धमाका होगा उसके बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो राहु का ये रिजल्ट होता है इस हाउस में। मैं और वीडियोस बना के ये सब हर प्लैनेट्स का हर हाउस में क्या रिजल्ट आता है इसके ऊपर मैं और वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन आज मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ फिफ्थ हाउस को और अच्छी तरह से। फिफ्थ हाउस केतु थोड़ा सा पिकुलियर थॉट प्रोसेस देता है इंसान के अंदर। जब भी फिफ्थ हाउस में केतु होता है या फिफ्थ हाउस के साथ केतु कहीं से जुड़ जाता है तो एक पर्सन का थॉट बहुत पिक्यूलियर होता है, बहुत हटके होता है, इतना हटके होता है कि सोशल के उसके आसपास के सोसाइटी के किसी के साथ वो थॉट प्रोसेस मैच ही नहीं होता है। इसके कारण वो सोसाइटी से थोड़ा सा आइसोलेशन पे चला जाता है, सोसाइटी के उसका सोशल फ्रेंड्स नहीं बनते उतना, वो बंदा उतना सोशल हो ही नहीं पाता है, क्योंकि जिसके साथ ही वो मिक्सअप होने जाता है वो ही उससे दूर होता जाता है। कुछ कुछ लोगों तो उससे डर भी लगने लगता है उसके थॉट प्रोसेस के कारण, उसके चिंता के कारण, वो जिस तरह से सोचता है कोई भी चीज़ को। तो केतु एक गैप का प्लैनेट है, केतु हमेशा आपके लाइफ में गैप लाता है, केतु हमेशा आपके लाइफ में आइसोलेशन लाता है, स्पिरिचुअलिटी का एक प्लैनेट है ये, तो आपको आइसोलेट कर देता है हर चीज़ से। आपके लाइफ में कोई भी चीज़ अम्यूजमेंट जो है अम्यूजमेंट विदा ले लेता है, एंटरटेनमेंट बोल के कुछ रहता नहीं है, तो आप एक डल पर्सन बन जाते हो, लोग आपको बोरिंग पर्सन के हिसाब से देखते हैं केतु इन फिफ्थ हाउस। चाइल्ड बर्थ में अगर बहुत दूसरा कोई एफ्लिक्शन नहीं है केतु के ऊपर तो चाइल्ड बर्थ में उतना खराब रिजल्ट वो नहीं देता है। कैसे भी हो चाइल्ड तो जन्म ले लेता है, लेकिन चाइल्ड के साथ पहले तो रिश्ता अच्छा नहीं होता, दूसरा चाइल्ड में कुछ डिफॉर्मिटीज़ होते हैं, कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटीज़ चाइल्ड में होते हैं, कुछ ना कुछ खराबी बच्चों में होता है, जो वो चाहे फिजिकल खराबी हो या मेंटल खराबी हो, कुछ ना कुछ ऑड, मतलब केतु हमेशा फिफ्थ हाउस रिगार्डिंग मैटर्स में ऑड रिजल्ट देगा, ऑड चीज़ जोड़ देगा, उसका थॉट प्रोसेस से लेकर उसके इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज से लेकर हर चीज़ में ऑडनेस जोड़ देगा, जो नेचुरल नहीं है, जो हर किसी के साथ मैच नहीं होता है, हर कोई जैसे काम कर रहा है जैसे चल रहा है फिफ्थ हाउस के मैटर्स उसके ऊपर जैसे लागू होता है, जैसे कि लव अफेयर्स में भी उसका थॉट कुछ और होगा, उसका सोच कुछ और होगा, तो इसके कारण उसका सोच मैच नहीं हो पाएगा, वो कभी लव अफेयर्स में जा ही नहीं पाएगा, लव अफेयर्स को हमेशा काटेगा, लव अफेयर्स से उसको दूर रखेगा केतु। केतु फिफ्थ हाउस के हर चीज़ को जला देगा। केतु को इसलिए द प्लैनेट ऑफ ऐश कहा जाता है, जो भस्म होता है छाई होता है वो केतु को रिप्रेजेंट करता है, तो वो जिस हाउस में जाएगा उसको वो जला के राख करेगा। तो मैंने जो ये कहा कि मेंटली थोड़ा सा ऑड या थोड़ा सा हटके सोचने वाला, हटके मतलब उसका सोच ऐसा इतना हटके होता है कि सोशली वो उसका प्रेजेंस नहीं बनता है और सोशली निग्लेक्टेड भी रहता है, और एक टाइम के बाद अगर चार्ट में फोर्थ हाउस बहुत डैमेज्ड है इसके साथ साथ तो वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी उसके अंदर आ जाता है, बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आता है जिससे बाहर निकलना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है कभी बहुत सारे केसेस में। केतु जो डिजीज़ को रिप्रेजेंट करता है वो है ऐसे डिजीज़ जो डिस्कवर ना हो पाए, मतलब जिसको समझ में ना आए क्या चल क्या डिजीज़ का मतलब रूट क्या है, वो डिजीज़ का रूट ना पता होने के कारण उसमें अगर ट्रीटमेंट भी करवाता है तो गलत ट्रीटमेंट हो जाता है, उसके कारण जो अगर एलोपैथी ट्रीटमेंट करवा रहा है तो एलोपैथी में तो आप जानते ही हो गलत ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि आपको मेडिसिन का साइड इफेक्ट झेलना पड़ेगा। होम्योपैथी में या आयुर्वेद में क्या होता है, अगर गलत ट्रीटमेंट कभी हो भी गया, डॉक्टर आपका डिजीज़ पकड़ ही नहीं पाया, तो अगर हो भी गया ऐसा कुछ
तो भी आपको उतना कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन एलोपैथी में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। मतलब इतना हद तक नुकसान होता है कि जिसके साथ होता है उसी को पता होता है, मेंटली एंड फिजिकली हर तरह से नुकसान होता है। तो ये केतु में ना इल ट्रीटमेंट होने का ज़्यादा बहुत ज़्यादा मैटर रहता है, बहुत ज़्यादा कनेक्शन रहता है। फिफ्थ हाउस जो मैंने कहा, सिक्स हाउस से जैसे डिजीज़ देखा जाता है, इलनेस देखा जाता है, फिफ्थ हाउस है उसके ट्वेल्थ हाउस, दैट मीन्स डिजीज़ को, सिक्स हाउस के डिजीज़ और इलनेस को ख़त्म करता है फिफ्थ हाउस। तो फिफ्थ हाउस हीलिंग का भी हाउस है। तो मेल्फिक प्लैनेट्स का कनेक्शन फिफ्थ हाउस के साथ होने के कारण आप ज़्यादा हील भी नहीं होंगे जल्दी। अगर कुछ आपके मेंटल या फिजिकल प्रॉब्लम हो गया आपको, तो आप जल्दी हील भी नहीं हो पाओगे, वो हीलिंग कैपेबिलिटी नहीं रहेगा आपके बॉडी में जो फिफ्थ हाउस देता है।